नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर आशा सहयोग ने द्वारा प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नियमित करने व मानदेय बढ़ाने की मांग की है। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा पाराशर है। मैं बूंदी जिले की आशा सहयोग न्यूज की जिला अध्यक्ष हूँ, एकीकृत महासंघ। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हम लोगों को बहुत कम मानदेय में दो विभाग के बीच में हम ये काम करवा रहे हैं और दो बीज के पाठों में हम पिस रहे हैं। हम काम करने से भी बिल्कुल भी परेशान नहीं है, लेकिन हमारा मानदेय जो सेवा दी जाती है उसके अधीन बहुत कम मानदेय है। और मानदेय अगर हमारा बढ़ाया जाता है तो हमें अब तो परमानेंट करना चाहिए, क्योंकि हमें 18 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल हो चुका है, क्योंकि अब तक हमारा मानदेय 100, 200, 500 से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इतने इतने से पैसों में 18, 20 साल में महिलाएं काम कर रही है, नई नई भर्तियाँ निकाली जा रही है, उनको जबरदस्ती मानदेय कर्मी घोषित किया जा रहा है। और आज तक आशाओं का इतना कोविड में भी इतना सुंदर काम किया, शोषण किया, न कोई पैसा दिया, फ्री में काम करवाया जा रहा है और लगातार शोषण करे जा रहे हैं। अभी हमारे विभाग द्वारा, मेडिकल द्वारा CHO भी लगाए हुए हैं, लेकिन CHO की संख्या कम है और मेडिकल की आशाओं की संख्या ज़्यादा है। NM की कमी कम है, आशाओं की संख्या ज़्यादा है, तो एक एक वार्ड में तीन तीन आशाओं से काम करवा लिया जाता है। वो आशा कौन सा मानदेय दिया जा रहा है उस काम को करवाने का? और मानदेय भी कभी कम से कम हमें न्यूनतम मजदूरी तो दे की चाहिए। विभाग में इंस्टीट्यूट बढ़ा देंगे, ये बढ़ा देंगे, वो बढ़ा देंगे, लेकिन उसके लिए साथ साथ तो काम बढ़ा रहे हो आप। हमें तो हमारे महिला एवं बाल विकास से जो इंस्टीट्यूट नहीं दे करके, वो महिला बाल विकास से 2,970 रुपये दिए जा रहे हैं, उसको न्यूनतम मजदूरी दे कर दे। बिल्कुल लगभग कितनी की आशा है जिले के अंदर? संख्या कितनी आशा की? जिले के अंदर 52,000 आशा है राजस्थान की। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी मांगे गिना दो एक एक करके। हमारी मांगे ये है कि हम लोग नियमित कर्मचारी घोषित कर दें हम लोग, क्योंकि 20 साल, 18 साल, 30 साल काम करने वाली आशा को आप नए कर्मचारी घोषित कर रहे हो, बना रहे हो, उनको कर्मचारी बना रहे हो, अलग अलग जगह पे CHO लगा रहे हो, कोई क्या लगा रहे हो, कोई क्या लगा रहे हो, तो इससे अच्छा है ना आशा से जब पूरा फील्ड का काम कर रही है, CHO भी आशा को ले जाते हैं, वो CHO भी आशा को लेके जा रहे हैं। आपकी मैं आपको और कुछ बताना चाह रही हूँ, आशा सहयोगियों का मानदेय श्रम एक्ट के कानून के नियम अनुसार बढ़ाया जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे, मुख्य मांगे हमारी। इसके अलावा हम लोगों को परमानेंट किया जाए। अच्छा, इसके अलावा हमारी जो सेवानिवृत्त होने पर हमें पेंशन मिले आशाओं को, क्योंकि इतने कम मानदेय से 18 साल से 20 साल से काम कर रही है, बाद में अगर ये 60 साल के ऊपर होने के बाद में ये बैठ के क्या खाएगी? इनका कुछ नियम तो होना चाहिए। आशाएं बिचारियां इतना काम करके भी आप हमको मजदूरी भी नहीं दे रहे, कोई सा पेमेंट दे रहे, काम कराने का कोई समय देगा आपका? कितने बजे कितने नहीं है, कोई नहीं है। कभी कभी हमको 10 बजे बुलाया जाएगा तो हमको रात भी हो जाएगी, 12 भी बज जाएगी। तो आप चाहते हो भाई समय भी नियमित हो हमारा, टाइम समय नियमित करा।